दोस्तों आज मैं बताऊंगा धन से अगर कोई भी स्टॉक बाई और सेल करना चाहते हो वो आप कैसे प्रोसेस को कंप्लीट करोगे मोबाइल से, क्योंकि कल जो मैंने प्रोसेस दिखाया था वो पूरा कंप्यूटर के ऊपर दिखाया था, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास कंप्यूटर नहीं है और धन बहुत ही बढ़िया मोबाइल फ्रेंडली एप्लीकेशन है और जिसके थ्रू आप कोई भी स्टॉक बाई और सेल कर सकते हो। मैं प्रॉपर तरीके से दिखाऊंगा, आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, धन का जो मोबाइल एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको जो डीमैट अकाउंट का यूजर आईडी और पासवर्ड है वही पासवर्ड और ईमेल आईडी से लॉगिन कर लेना है। मैं फटाफट से अपना जो आईडी है वो लॉगिन कर लेता हूं। दोस्तों अकाउंट को लॉगिन करने के बाद होम पेज के ऊपर ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, ऊपर में देखो सबसे ऊपर में एक सर्च वाला आइकॉन नजर आ रहा है ना, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। आप कौन से स्टॉक को बाई और सेल करना चाहते हो वो आपको इसमें सर्च करना है। जैसे मैं एक रिलायंस का स्टॉक बाई और सेल करना चाहता हूं तो मैं रिलायंस को लिखा, रिलायंस आपके सामने आ जाएगा। और इसमें देखो प्लस का आइकॉन है, मतलब आप जो प्लस पे क्लिक करोगे तो आपका वॉच लिस्ट पे ये स्टॉक है वो ऐड हो जाएगा। तो सिंपल मैं प्लस के ऊपर क्लिक करता हूं, प्लस के ऊपर क्लिक करने के बाद मेरे यहां पर दो वॉच लिस्ट है, एक होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन और दूसरे नंबर पे फर्स्ट वॉच लिस्ट। ठीक है, क्रिएट न्यू वॉच लिस्ट, मतलब आप चाहते हो तो आपके हिसाब से वॉच लिस्ट को ऐड कर सकते हो और रिमूव वगैरह कर सकते हो। मैं जैसे न्यू के ऊपर क्लिक करता हूं, न्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं एक इसमें वॉच लिस्ट को लिख देता हूं। ठीक है, जैसे मैं लिख दिया लाइव, मैं एक वॉच लिस्ट किया तो लाइव के ऊपर मैं इसको ऐड कर देता हूं। ठीक है, तो प्लस के ऊपर क्लिक किया, लाइव के ऊपर क्लिक किया, ऐड हो गया। मैं सिंपल सा बैक के ऊपर क्लिक कर देता हूं और इसमें सेकंड वाला ऑप्शन पे देखो एक वॉच लिस्ट का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करोगे आप देखोगे आपका जो वॉच लिस्ट है वो रिलायंस स्टॉक इसमें आ गया। अभी दोस्तों जो स्टॉक आएगा इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों क्लिक करने के बाद पूरा एकदम स्टॉक का डिटेल आ जाएगा और सबसे ऊपर आ जाएगा मार्केट। ठीक है, आप देख सकते हो मार्केट, लाइव एनालिसिस, मार्जिन, टेक्निकल। तो देखो आप अगर लाइव पे क्लिक करोगे मार्केट का अप डाउन कितना टाइम पे कितना अप डाउन कर रहा है, और सेकंड वाला है टेक्निकल, आप इसमें टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं मार्केट अप जाएगा या डाउन जाएगा उसके हिसाब से। आप मार्जिन को सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर ऑप्शन पे ट्रेड करना चाहते हैं तो ऑप्शन इसमें चेन देख सकते हैं, कितना बायर है कितना सप्लायर है आप इसमें देख सकते हैं, फ्यूचर देख सकते हैं। तो फिलहाल मैं देखो मार्केट के ऊपर क्लिक करूंगा, मैं चाहता हूं जो मार्केट प्राइस है उसके हिसाब से मैं स्टॉक को खरीदूंगा। तो सिंपल मैं मार्केट के ऊपर क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद सबसे नीचे देखो दो ऑप्शन है, एक होता है बाई एक होता है सेल। तो सिंपल आपको क्या करना है, बाई के ऊपर क्लिक कर देना है। बाई के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने आ जाएगा ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। ठीक है, तो आप क्या करना चाहते हो, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इन्वेस्टिंग के ऊपर क्लिक कर देना है। लॉन्ग टर्म मतलब क्या है, मैंने पीसी में जो वीडियो बनाया था उसमें बोला था अगर 2 महीना 3 महीना 1 साल 2 साल जो भी हो अगर आप स्टॉक को होल्ड करना चाहते हो तो इन्वेस्टिंग के ऊपर जो है पैसा इसमें क्लिक कर देना है। अगर ट्रेडिंग में क्लिक करोगे तो इसमें इंट्राडे है, मतलब आज अगर स्टॉक को खरीदोगे तो आज ही सेल करना होगा या कुछ दिन पे ही आपको सेल करना होगा। ठीक है, मैं सिंपल सा इन्वेस्टिंग के ऊपर क्लिक करूंगा, मैं चाहता हूं ये स्टॉक को कुछ दिन मैं होल्ड करूंगा। अभी दोस्तों इसमें है क्वांटिटी, मतलब आप कितना स्टॉक इसमें बाय करना चाहते हो, कितना क्वांटिटी का। तो मैं फिलहाल दो स्टॉक को बाय करूंगा, दो स्टॉक का जो प्राइस है आपके ऊपर आ जाएगा, जो रिलायंस का एक स्टॉक का प्राइस है 2633 रुपए। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अभी दोस्तों इसमें जैसे पीसी में बोला था लिमिट और ट्रिगर जो है, लिमिट मतलब लिमिट काफी ज्यादा सिंपल है, आपको बस ये जो लिमिट है इसको आपको इसमें एडिट कर लेना है। आप चाहते हो जो अपना ये प्राइस के ऊपर आए मार्केट और हमारा जो स्टॉक है ऑटोमेटिकली बाय हो जाए तो उसके हिसाब से ये हो जाएगा। अभी दोस्तों इसमें देख सकते हो मार्जिन, मतलब कितना पैसा लगेगा, मैंने दो स्टॉक लिया तो 5268 रुपए लगेगा। ठीक है, अभी दोस्तों मार्केट क्लोज है तो मैं इसको इसमें बाय नहीं कर सकता, मैं आपको सिंपल बता देता हूं इसके हिसाब से आप बाय और सेल कर सकते हो। सिंपल है, दो क्वांटिटी बाय करो, आप कितना क्वांटिटी बाय करो लिखोगे, सबसे नीचे बाय के ऊपर क्लिक करोगे आपका जो स्टॉक है वो इंस्टेंट बाय हो जाएगा। अभी देखो रात 12:25 है तो मैं बाय नहीं कर सकता। ठीक है, अभी दोस्तों मान के चलो आपने एक स्टॉक को बाय कर दिया, इसको सेल कैसे करना है, सेल करने काफी ज्यादा सिंपल है। अगर बैक के ऊपर क्लिक करोगे ये देखो एकदम मिडिल पॉइंट पे एक पोर्टफोलियो करके ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो पोर्टफोलियो के ऊपर क्लिक करोगे आपका स्टॉक जो रिलायंस बाय किया वो यहाँ पर शो हो जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करके जैसे बाय किया था वैसे ही ऑप्शन आ जाएगा, बस सेल के ऊपर क्लिक कर देना है, इंस्टेंट आपका जो स्टॉक है वो सेल हो जाएगा। दोस्तों काफी ज्यादा यूजर फ्रेंडली है एप्लीकेशन और बहुत ही तुरंत प्रोसेस हो जाता है। अदरवाइज आप अपना ऑर्डर पे क्लिक कर सकते हैं, ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं आपका एक स्टॉक में कितना जो है इसमें प्राइस आप किया या डाउन किया, इसके हिसाब से आप पोर्टफोलियो पे सारा कुछ देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये था कोई भी स्टॉक सबसे सिंपल और सबसे सेफेस्ट तरीका जिसके आप कोई भी स्टॉक बाय और सेल कर सकते हैं। अदरवाइज आप फ्यूचर में भी ट्रेड कर सकते हैं या इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं। बहुत ही बड़ी एप्लीकेशन और बहुत बड़ी वेबसाइट है जिसके थ्रू आप कोई भी स्टॉक को बाय और सेल कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए ये आप इन्वेस्टमेंट कर भी सकते हैं। दोस्तों वीडियो को अच्छा लगे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं अगले ट्रेडिंग टॉक के ऊपर, तब तक के लिए बाय।